सप्तमोध्याय चंड और मुंड का वध। इस अध्याय का पाठ करते समय हमें इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं।
तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को आपको भेंट किया है। अब युद्ध में आप शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी आप चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से आपकी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ।